मुंबई स्थित पवई आरे कॉलोनी के जल शुद्धिकरण केंद्र में प्राथमिक आरोग्य केंद्र का उद्घाटन शिवसेना नेता अनिल परब के हाथों फीता काटकर किया गया। इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र का कार्य शिवसेना शाखा प्रमुख 121 मनीष नायर और पूर्व नगर सेविका चंद्रवती मोरे के प्रयास से किया गया, जिसके लिए 5 साल से प्रयास कर रहे थे मनीष नायर, जिसके बाद अब 14 अगस्त को इस आरोग्य केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किया गया, जिसकी मांग वार्ड की जनता 20 साल से कर रही थी, लेकिन जनता की इस मांग को कोई पूरा ना कर सका। इस जरूरत को पूरा करने में सफल रहे मनीष नायर और चंद्रवती मोरे, जिसकी खुशी वहां मौजूद लोगों में देखने को मिली। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की जनता भी उपस्थित रही। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था अनिल परब, मनीष नायर, चंद्रवती मोरे, साथ ही वहां मौजूद जनता का, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर आरोग्य केंद्र जो शुरू होने जा रहा है, हमारे यहाँ की नगर सेविका चंद्रावती मोरेताई और हमारे शाखा प्रमुख मनीष नायर, ये इनके दोनों के लगत प्रयास से ये आज ये आरोग्य केंद्र का हो रहा है। ये आपको मालूम थी, ये जगह एचई की जगह थी, पानी खाते की जगह थी, और उसको हैंड ओवर करके महानगर पालिका ने ये यहाँ पर बनाया, इसलिए ये दोनों ने बहुत मेहनत की। और इसी विभाग की मांग थी कि यहाँ पर एक आरोग्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक कोई आरोग्य केंद्र नहीं था। मैं ये दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दोनों को शुभेच्छा देता हूँ। जो कुछ बोलना था अनिल परब साहब ने, मैडम ने, प्रमोद सावंत जी ने, सब ने बोल दिया है। जो हुआ है रियल बोले तो ये वार्ड के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़माने से हम लोग कोशिश कर रहे थे, कम से कम 5 या 6 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे इसके पीछे। अभी नेक्स्ट ये हो गया, रियल बोले तो अनिल परब साहब और गजानन कीर्तिकर साहब की मेहरबानी है, इसके कारण हो गया। इसी वार्ड के लिए है कि किसी और वार्ड? नहीं नहीं, कोई भी आ सकता है, आधार कार्ड और ये लेके कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी वार्ड के लिए, ये बीएमसी की तरफ से है। यहाँ पे पहले नहीं था, जगह नहीं थी, इसीलिए यहाँ के जो आरोग्य केंद्र या CHV जो भी थे तो वो लोग हीरानंदनी पोस्ट में बैठते थे, इसीलिए हमने यहाँ पे हमारे वार्ड के लिए हमने पर्पजली यहाँ पे बोल कर कि हमको यहाँ हमारे वार्ड के लिए चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे बनवा के लिए। तो यहाँ जो किसके माध्यम से बना है और इसमें जो है कितने कार्यकर्ता साथ दिए? ये BMC के फंड से बना हुआ है और आरोग्य केंद्र BMC के थ्रू ही चलेगा, और सभी के आशीर्वाद और सभी के पाठ पुरावे से हमने ये प्रयत्न किया हुआ है। आरोग्य केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो आरोग्य केंद्र का उद्घाटन है, ये आरोग्य केंद्र का मांग हम गए 15-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे जो पिछला नगर सेवक था या नगर सेवक था उन्होंने कुछ किया नहीं। तो शिवसेना के हमारे यहाँ के नगर सेविका मोरे मैडम और मनीष भाई, इनके तरफ से आज जो आरोग्य केंद्र का निर्माण यहाँ किया गया है, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। आरोग्य केंद्र नहीं था तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम को उठाना पड़ता? आरोग्य केंद्र यहाँ पे नहीं था तो हम यहाँ का जो झोपड़पट्टी में रहने वाले जो महिला है, पुरुष है, हमको एक तो IIT जाना पड़ता था या कमानी हॉस्पिटल जाना पड़ता था या राजावाड़ी जाना पड़ता था। तो उसके बारे में आज जो हो गया उसके लिए बहुत हम खुशी मनाते हैं। आज आरोग्य केंद्र ओपनिंग किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जय महाराज बोलूँगा। हमारे 121 वार्ड में ये दूसरा डिस्पेंसरी ओपन होने जा रहा है, जो कि हमारे 121 वार्ड के लिए बहुत प्राउड फील है, और जो कि डिस्पेंसरी एक ऐसा चीज़ है कि जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि छोटे से अमाउंट में वो लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो भी मनीष नायर जी, हमारे चंद्रावती मोरे जी, हमारे अनिल परब साहिब जी, जिन्होंने भी ये डिस्पेंसरी यहाँ पर ओपन किया, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी 121 वार्ड में लोग रहते हैं, यहाँ पे डिस्पेंसरी बहुत ही रेयर थी। फर्स्ट डिस्पेंसरी हमने माड़ा के यहाँ पे ओपन किया, सेकंड डिस्पेंसरी फिल्टरपाड़ा में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत ही थैंक्स बोलता हूँ और हमारी टीम की तरफ से भी बहुत थैंक्स बोलता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।